हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल, मेरे चैनल, हमारे चैनल में, वी रिव्यू में। दोस्तों आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा, काफी सारे मेरे भाई YouTube फैमिली वाले मुझे मैसेज कर रहे थे, कुछ चीजें बार बार मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो ही पर्टिकुलर बना के डाल देता हूँ, ताकि मेरे मोस्टली सभी भाइयों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है भी, लेकिन मैंने सोचा कि बार बार क्वेश्चन पुटअप हो रहा है तो एक वीडियो और बनानी चाहिए मुझे, तो दो क्वेश्चन इसमें कवर करूंगा आप लोगों के, जो आपने वीडियो के थंबनेल में भी देख लिया होगा। उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। पहला कि आपका ऑनलाइन कैसीनो जो आईडीज में अवेलेबल होता है वो कितना सही है प्ले करना और कितना गलत है, ठीक है। दूसरा कि ये बैटिंग जो ऑनलाइन हम प्ले करते हैं आईडीज में, ये इंडिया में लीगल है या नहीं, ये बार बार मेरे भाई क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पहली बार आए हो अगर चैनल पे तो कोई बात नहीं, वीडियो देख के बिना सब्सक्राइब करे भी जा सकते हो, लेकिन अगर दूसरी बार आए हो तो किसी रीजन से आए हो, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसी लगे जो आपके लायक है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है आगे इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला टॉपिक पे बात करता हूं कि ऑनलाइन कैसीनो जो आप आईडीज में देखते हैं, आईडीज में अवेलेबल होता है ऑनलाइन कैसीनो, जिसमें पोकर होता है, तीन पत्ती होता है, ड्रैगन टाइगर होता है, और भी बहुत सारी गेम होती है, रोलेट होता है, तो और भी बहुत सारी गेम होती है, ये प्ले करना ऑनलाइन कितना ठीक है मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, प्ले करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑनलाइन कैसीनो जो आईडीज में अवेलेबल होता है वो कैसीनोज एक बोट के जरिए चलते हैं, उसमें आपका हार या जीत आपके हाथ में, आपकी किस्मत के हाथ में नहीं होता, कंप्यूटराइज्ड बोट होते हैं उनके हाथ में होता है, ठीक है। ड्रैगन टाइगर गेम है, उसमें क्या सिस्टम है, अगर आप ड्रैगन पे ज्यादा पैसा लगाओगे तो टाइगर खुलेगा, टाइगर पर ज्यादा पैसा लगाओगे तो ड्रैगन खुलेगा। ये कैसे होता है, ये चीजें काम करते हैं कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है, वो उस सॉफ्टवेयर को पहले ही एक बोट के जरिए चलाया जा रहा है, वो बोट काम ही ये करता है कि जिस पे भी ज्यादा पैसा होगा उसके अगेंस्ट अपोजिट रिजल्ट आना तय है। अब कुछ मेरे भाई बोलेंगे, यार हम तो जीतते भी हैं इसमें, जितवाता भी है। आप जब जीतते हैं, जैसे आपने ड्रैगन टाइगर में से ड्रैगन पे लगाए 1000 रुपीज, आपका ड्रैगन खुल गया, 1000 रुपीज आपके आ गए, इसका मतलब ये मत समझो आप जीत गए। ड्रैगन के 1000 रुपीज जीतने का मतलब है टाइगर पे किसी ने 2000 ऑलरेडी लगा रखे, तो इसलिए आपका 1000 उसने जितवा दिया, क्योंकि उसने दूसरे से 2000 ले लिया। समझे आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि खाली आप ही नहीं खेल रहे, बहुत सारे लोग खेलते हैं। आप जब जीत रहे होते हो 2000, 5000, 10000, तो समझ लो कोई लाखों में हार रहा है, ये सिस्टम है सारा उसका। और जितनी भी गेम्स होती हैं ऑनलाइन में, कैसीनो में, जितनी भी आईडीज में गेम है, सारी की सारी बोट के जरिए कंप्यूटराइज होती है, सारा कुछ टोटली डिपेंड करता है उसमें कि कौन कितने ज्यादा पैसे किस पे आ रहा है और आप किस पर बैठे हो, ठीक है। और सबसे और दूसरा लूज पॉइंट उसका ये होता है कि आपको 24 आवर्स के लिए एक जुआ खेलने के लिए मिल जाता है आपके हाथ में मोबाइल, कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपका टारगेट 5000 का है, 5000 आप जीत जाओगे, बंद कर दोगे, फिर 10 मिनट के बाद फिर चालू कर लोगे, बाथरूम में जाओगे, वॉशरूम में जाओगे, वहां पे फोन चलाओगे, किचन में जाओगे वहां पे फोन चलाओगे, रात को सोते सोते आपकी आंख खुल गई, आपने सोचा क्या करूं यार आईडी में पॉइंट है, कैसीनो खेल लेता हूं, खोल लोगे, तो उसमें आपके हारने के चांसेस 99% हो जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे के लिए अगर आपको जुआ आपके हाथ में दे दिया जाएगा आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपका कोई भी नहीं कर पाएगा, वो चीज ऐसी है, इसकी एडिक्शन ऐसी है, ठीक है। क्योंकि 24 आवर्स के लिए आपको एक ऑप्शन मिल गया है जुआ खेलने का, जब मर्जी खेल लोगे आप, लोग वॉशरूम में बैठ के खेलते हैं जाके, जब फ्री बैठे मूवी देख रहे हैं फैमिली के साथ तब भी लगे हुए हैं फोन में कि 500 लगाता हूं, 1000 लगाता हूं, क्या पता बढ़ जाए, तो कभी नहीं जीतोगे, ठीक है। ये हो गया ऑनलाइन कैसीनो की बात। अब दूसरी बात करता हूं कि ऑनलाइन गैम्बलिंग इंडिया में लीगल है या नहीं है। बहुत सारे मेरे भाई क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे, देखो ना तो ये लीगल है ना ये इनलीगल है, इसका जवाब ये है, कई स्टेट्स हैं जहां पर ऑनलाइन गैम्बलिंग को लीगल कर रखा है, जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, आप वहां पर जाकर कैसीनो वगैरह खेल सकते हो, लेकिन फिजिकली ऑनलाइन आईडी के कैसीनो से लाख गुना बेटर है फिजिकली जाके खेलना, क्योंकि वहां पे आपके साथ चीट नहीं हो रहा, वहां पर भी कुछ ना कुछ स्कीम होती होंगी, उनकी मैग्नेटिक सिस्टम होते हैं वहां पे, लेकिन वहां पर आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऑनलाइन आईडी से, क्योंकि वहां पर एक बंदा है जो आपको प्ले करा रहा है सामने,
चीट वहां पर बहुत कम होगा, वहां पर कोई कंप्यूटराइज बोट नहीं है जो सेट कर रहा है बैट को, वहां पर आप खुद अपनी किस्मत से भी जीत सकते हैं, ठीक है। तो दो जगह है जो मैंने सर्च करा है, इंडिया है, सिक्किम है, जहां पर कैसीनो वगैरह अलाउड है और जहां की गवर्नमेंट ने अलाउड कर रखा है बैटिंग को, और काफी सारे हैं जैसे तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, यहां पर बैटिंग बैन है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो बैटिंग को लीगल कर सकता है, इलीगल कर सकता है अपने स्टेट में। और सबसे बड़ी और मेन चीज इसमें क्या होती है, अगर आप ऑनलाइन बैटिंग करते हो तो इसमें ट्रांजेक्शन्स होती हैं यूपीआई के द्वारा, और यूपीआई की एक सेविंग अकाउंट की लिमिट होती है 10 लाख रुपीज। आप 10 लाख रुपीज से ऊपर आपकी ट्रांजेक्शन 2 या 3 महीने में हो जाएगी अगर आप 20-20-30 हजार की 50 हजार की ट्रांजेक्शन करते हैं तो। अगर आप 500, 1000, 200, 300 से खेलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन आप 20,000, 50,000 से खेलते हो तो आपकी यूपीआई लिमिट बढ़ते बढ़ते 10 लाख क्रॉस कर जाएगी और हो सकता है आपके पास ये इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए, ठीक है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स होता है या फिर जो गवर्नमेंट होती है, आरबीआई का रूल है, वो कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शंस पे ज्यादा ध्यान देती है ऑनलाइन से। जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस होती है जैसे यूपीआई हो गई, पेटीएम हो गई, इन ट्रांजेक्शंस पे गवर्नमेंट कम ध्यान देती है, कैश की लेन देन पे ज्यादा ध्यान देती है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ऑनलाइन खेलने से कोई नुकसान नहीं है, ना तो ये लीगल है ना इलीगल है, तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। ये गवर्नमेंट के हाथ में है, जिस भी स्टेट की गवर्नमेंट है वो उसे अपने स्टेट में या तो बैन कर सकती है, या फिर बहुत सारी है, जैसे हमारा दिल्ली है तो इसमें ना तो यहाँ पर बैन है ये, ठीक है, ना यहाँ पर लीगल है ना इलीगल है। तो चल रहा है जैसे चल रहा है, चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए सारी चीजों को, तो फिर ये इलीगल एक्टिविटी ही है दोस्तों, ये आप भी जानते हो। अगर आपके ऊपर पकड़े जाते हो आप खेलते हुए या खिलाते हुए, तो 3 महीने की जेल है, जुर्माना अलग से है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए जहां लीगल भी है वहां पर भी इसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, और जितना गुना खेलना है उतना ही खिलाना भी है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो में, अगर यहां तक बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और लव यू ऑल दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। आप वीडियो देख के चले जाते हो, व्यूज आते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, रीजन मुझे पता नहीं, आपका भाई हूं मैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपकी सपोर्ट मिलेगी तो आगे इसी तरीके की वीडियो बनाते रहेंगे। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।